मामा को देंगे अपन तो। अच्छा मामा को दोगे? हाँ। क्यों भाई? क्योंकि अपन को सब कुछ दे रखा उनने। अगली टक्कर होने वाली है। हाँ, अगर कार्तिक पटेल होता तो निर्विरोध जीतता। अच्छा। अगर भार्गव साहब तो जरा कभी टक्कर ले। कांग्रेस को डलेंगे इस बार। क्यों? हाँ, कांग्रेस थोड़ा ठीक काम करती है। अच्छा। और ये भारतीय जनता पार्टी, उसका नहीं समझ में आता। वही फूल आएगा। फूल आएगा क्यों? बस फूल कोई वोट देते हैं हम तो। अच्छा। हमने वोट तो दिया था मामा को उसी हिसाब से कि इनको सीएम बनाया जाए, किंतु अब नहीं बनाया तो कुछ बीजेपी से इच्छा उठती जा रही है, वोट देने की इच्छा नहीं हो रही। वही क्या बीजेपी आएगी और क्या हो? काम बीजेपी ने किया, कांग्रेस ने क्या किया? नमस्कार, आईबीसी 24 के खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है और मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं बुधनी। बुधनी में उपचुनाव है। उपचुनाव इसलिए है कि शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी के विधायक पद से इस्तीफा दिया, वो सांसद बन चुके हैं और केंद्र में केंद्रीय मंत्री है और इसलिए बुधनी में उपचुनाव हो रहे हैं। बीजेपी की तरफ से रमाकांत भार्गव इस बार यहाँ पर मैं चुनावी मैदान में है, तो कांग्रेस से राजकुमार पटेल। जनता क्या चाहती है, जनता के मन में क्या है और बुधनी में इस बार वोट किस करवट बदलेगा, ये हम जानने के लिए जनता के बीच में चलेंगे। तो चलिए चुनावी चौपाल में मेरे साथ बुधनी की जनता के पास। चुनाव हो रहे हैं पता है ना आपको? हाँ पता है। क्या हो रहा है इस बार चुनाव में? अभी तक तो शिवराज जी लड़ते थे, इस बार चेहरा बदल गया है। इस बार ग्रुप वो रमाकांत भार्गव। हाँ, रमाकांत और राजकुमार पटेल। राजकुमार। हाँ। क्या लग रहा है इस बार क्षेत्र में? वही फूल आएगा। फूल आएगा क्यों? बस फूल कोई वोट देते हैं हम तो। अच्छा। हाँ, विकास अच्छा किया है गांव में। अच्छा। हाँ, तो 18 साल शिवराज जी मुख्यमंत्री थे तो यहाँ विकास हुआ? विकास हुआ है। अच्छा। हाँ, कांग्रेस तो कह रही विकास नहीं हुआ। कैसे कैसे नहीं हुआ? अच्छा। हाँ। अच्छा। विकास हुआ है। अच्छा। हाँ, इस बार विकास के नाम पे आप वोट दो। क्या नाम भैया आपका? कलीम नाम है। कलीम अहमद। कलीम अहमद, ये बुधनी की रहने वाले मतदाता हो? यही मतदाता है बुधनी की। फिर चुनाव आ गए या उपचुनाव? चुनाव उपचुनाव है तो बीजेपी तो जीतना है इस बार। जी हाँ, विकास है, विकास के दम पर वोट डलेगा यहाँ। अच्छा। जी हाँ, विकास हुआ है क्षेत्र में? भरपूर विकास हुआ है। अच्छा। जी हाँ, मतलब इस बार विकास के मुद्दे पर वोट होगा? विकास के मुद्दे पर और फूल खिलेगा। अच्छा, ये बताइए कि क्षेत्र में विकास? हाँ, विकास तो है। क्या क्या हो गया भाई क्षेत्र में? सड़क है, बिजली है, पानी है, सब कुछ है। सब कुछ है। और अभी ये जो चुनाव हो रहा है उपचुनाव, इस उपचुनाव में क्या मुद्दा है यहाँ? मुद्दा कुछ नहीं, सब विकास हो रहा है और क्या। अच्छा, चुनाव में वोट किस आधार पे मांगने आ रहे हैं लोग और आप किस आधार पे वोट दोगे? वो वोट तो देते ही हो मतदाता हो बुधनी के, तो विकास के आधार पे देंगे। विकास के आधार पे देंगे? बुधनी क्षेत्र में विकास हुआ नहीं हुआ? बुधनी में से हम तालपुरा के रहने वाले, वहाँ तो भैया चकाचक विकास हुआ, फिर रोड नाली सब काम हो गया है। अच्छा। हाँ, तो विकास हो गया है बुधनी में। इस बार वोट किसको जाने वाला है, इस बार क्या और लग रहा है मूड जनता का उपचुनाव में? जनता का मूड तो खैर बीजेपी को वोट देते यार, हम तो बीजेपी को देंगे, मगर अब की टक्कर कर रही है भैया। हाँ, टक्की कर रहे हैं? राजकुमार बडेल का पुराना विधायक है बुधनी क्षेत्र का, वो टक्कर कर रही। टक्कर होने वाली? कर रही टक्कर होने वाली। हाँ, अगर कार्तिक पटेल होता तो निर्विरोध जीतता, मगर भार्गव साहब तो जरा कर रही टक्कर ले। उसका कारण क्या बता? उसका कारण है आपसी व्यवहारिक व्यवहारिकता। अच्छा, और क्या है? व्यवहारिकता। जनता व्यवहार देख के वोट दे रही है? वो तो खैर विकास के नाम पे भी देगी, मगर कर रही टक्कर है, ये बात मान के चलो आप। अच्छा। हाँ। क्या लगता है इस बार उपचुनाव, क्योंकि अभी विधानसभा के चुनाव हुए, फिर लोकसभा के चुनाव हुए, फिर उपचुनाव आ गया, शिवराज सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया और उपचुनाव आ गया? यार इस्तीफा दिया क्या, अब हमने वोट तो दिया था मामा को उसी हिसाब से कि इनको सीएम बनाया जाए, किंतु अब नहीं बनाया तो अब कुछ बीजेपी से इच्छा उठती जा रही है, अब वोट अच्छा। देने की इच्छा नहीं हो रही। अच्छा, क्यों इच्छा उठ रही नहीं हो रही? वो हमने मामा को सीएम अच्छा। के हिसाब से वोट दिया था, मामा बने ही नहीं सीएम। हाँ। मामा सीएम होते तब तक ये रोड बन चुका होता। अच्छा। 1.5 साल से खुदा पड़ा है रोड। इस बार बुधनी में कह रहे बहुत विकास हुआ, लोग विकास तो हुआ ही है, मामा थे जब तक ही विकास दिखा, उसके बाद नहीं दिख रहा है। अच्छा, विकास नहीं दिख रहा। अच्छा, तो इस बार चुनाव है तुम्हारे क्षेत्र में, फिर से आ गया चुनाव, 13 तारीख को वोटिंग है, क्या सोच के वोट देना है इस बार? कांग्रेस को देना है इस साल, क्योंकि कांग्रेस। अच्छा, क्यों कांग्रेस? कांग्रेस क्या है कि उसका ज्यादा चल रहा है इस साल। अच्छा। और विकास हुआ कि नहीं बुधनी क्षेत्र? विकास कम हो रहा है इसलिए कांग्रेस को देंगे। दूसरा हो गया। अच्छा, सड़क बिजली? बिजली हो रही है। किसानी करते हो क्या? हाँ, किसानी। खाद बीज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? खाद मिलता है, कम मिलता है। कम मिलता है खाद। मामा को देंगे अपन तो। हाँ? मामा को देंगे अपन तो। अच्छा, मामा को दोगे? हाँ। क्यों भाई? क्योंकि अपन को सब कुछ दे रखा उनने। अच्छा। मकान दे रखा, जमीन दे रखी, सब
जनता से हम बातचीत कर रहे हैं, उपचुनाव है बुधनी में, 13 तारीख को मतदान है। क्यों अंकल, क्या नाम है आपका? रामगोपाल यादव। रामगोपाल यादव, 13 तारीख को चुनाव है या उपचुनाव है, पता है आपको? हाँ मालूम है ना। क्या है इस बार मुद्दा, क्या क्षेत्र में विकास हुआ है नहीं हुआ, कैसे वोट डलेगा इस बार? कांग्रेस को डलेंगे इस बार। क्यों? हाँ कांग्रेस थोड़ा ठीक काम करती है। अच्छा, और ये भारतीय जनता पार्टी? उसका नहीं समझ में आता। तो शिवराज जी तो यहाँ से 18 साल से मुख्यमंत्री हैं। तो वो थे उस टाइम, था अब नहीं है। अच्छा, तो विकास हुआ कि नहीं बुधनी में? हाँ विकास हुआ ना। हाँ, तो फिर वोट कांग्रेस को क्यों? कांग्रेस को इस बार। अच्छा, इस बार कांग्रेस को दे रहे हो बदलाव? बदलाव। पढ़े लिखे तो बहुत हैं। कहाँ तक? BSc है। BSc करने के बाद नौकरी नहीं मिली? नौकरी मामा के राज में मुश्किल लग रही है। काहे? अभी वर्ग 3 का पेपर दिया था, 106 नंबर आए थे। हाँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिलिंग सब होने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही। अभी बताइए, देखिए कह रहे हैं BSc किए हुए हैं, DLED और क्या किया, क्या किया? DLED DC भी किया है इनने, और कह रहे हैं कि नौकरी मिली, इसलिए पानी पूरी फुल्की का ठेला लगा रहे हैं और यहाँ सुबह से शाम तक फुल्की बेचते हैं। बुधनी उपचुनाव को लेकर हम लगातार जनता से बातचीत कर रहे हैं। बुधनी की जनता के मन में क्या है, क्या है इस बार बुधनी की जनता के मन में उपचुनाव में, क्योंकि कुछ ही दिन पहले विधानसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए और अब फिर उपचुनाव। यहाँ लोग बैठे हुए हैं, बुधनी क्षेत्र के लोग हैं ये और मरदानपुर गाँव के लोग हैं। क्या नाम है अंकल आपका? रामविलास गौर। क्या लग रहा है इस बार चुनाव है आपके क्षेत्र में? क्षेत्र में चुनाव है, अच्छे चुनाव होगा। रोड सड़क बिजली पानी? हाँ बिजली पानी अभी सही चल रही है। अच्छा, अभी 18 साल तो शिवराज जी यहाँ से रहे, ये चला तो ठीक है। है? अरे ये आए और ये सही चला तो ठीक है। क्या लगता है इस बार? वो तो आए नहीं, 1 साल हो, मतलब आए नहीं, चुनाव हुआ जब से नहीं। क्या नाम अपना? रमाकांत भार्गव। क्षेत्र में नहीं आए आप? आज तक नहीं आए। शिवराज सिंह चौहान? शिवराज सिंह चौहान तो बहुत दिन रहे। अच्छा, वो तो आते ही रहे। क्षेत्र का विकास किसने किया? और बढ़िया विकास किया उनने। क्या लगता है इस बार यहाँ पर बुधनी में बढ़िया विकास हो रहा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं? राजकुमार पटेल का है इस साल जीतने का। विकास किसने किया? नहीं वो तो किया, विकास किया, फिर अब ये तो साल भी पलटाना चाहिए, समय भी पलटाना चाहिए राजकुमार पटेल को। अच्छा, वे भी पहले रियल थे ना। अच्छा, विकास की बात कर रही बीजेपी की, हम इस क्षेत्र में बहुत विकास हुआ, शिवराज जी 18 साल मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बहुत विकास किया। नहीं, विकास तो किया है, फिर कुछ ये भी विकास करेंगे, समय भी पलटाना चाहिए बोलो। अच्छा, इस बार बुधनी में? इस बार बुधनी में राजकुमार पटेल को लग रहा था। अच्छा, क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले भी विकास किया है, शिक्षा मंत्री रहे, स्कूल वगैरह खुलवाए हैं, वो काम की है। यहाँ शिवराज जी का कार्यकाल कैसा था? 18 साल वो मुख्यमंत्री रहे आपके क्षेत्र के। शिवराज बढ़िया रहे, अच्छे काम रहे उनके, ये रोड वगैरह बनवाए हैं उन्होंने, बाकी और काम में तो वो पीछे हैं, लेकिन ये रोड के काम में ठीक है। इस बार क्या यहाँ की जनता, क्या जनता यहाँ की इस बार कांग्रेस को वोट देगी? क्या लग रहा है इस बार? इस बार सर क्या बता सकते हैं, अपन तो किसानी करते हैं, चुनाव उनाव के बारे में इतना तो ध्यान रखते नहीं। किसानी करते हो तो विकास तो दिखता होगा, नेता कहते हैं कि बहुत विकास किया। हाँ, अपने मामा जी ने तो बहुत विकास किया, अपने इधर कोई कमी नहीं रहने दी, हर चीज में गांठ भी पड़ गया सब बात, मतलब कोई समस्या नहीं रहने दी इधर। बिजली पानी? बिजली पानी सब उपलब्ध बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में रही और अभी भी है वर्तमान में। इस बार क्या लग रहा है यहाँ पर उपचुनाव में? बार चुनाव में अब अभी तो जो चालू हुआ है माहौल, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं क्या क्या हो रहा है। अच्छा। हाँ अभी क्या प्रक्रिया चालू हुई है, थोड़ी लगे ऐसी अपने के इधर की पार्टी आ रही जा रही ज्यादा, ये हो रहा है। क्या लग रहा है बुधनी में उपचुनाव में इस बार, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि विकास नहीं हुआ, बीजेपी कह रही है कि बहुत विकास हुआ? बीजेपी कह रही वो सही है, विकास हुआ है। हाँ बहुत विकास हुआ अपने यहाँ पर, हर क्षेत्र में विकास हुआ, हर गाँव में विकास हुआ, हर जनता खुश है यहाँ की। इस बार मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा कुछ भी नहीं, यहाँ सब कुछ सही है, क्या कुछ कोई मुद्दा ही नहीं है यहाँ पर। हाँ ये राजकुमार पटेल पुराने आदमी थे लेकिन जनता पहचानती नहीं इनको। हाँ लेकिन आज के युवा जो है बीजेपी के भार्गव जी, अब शिवराज सिंह को देख के आदमी वोट देगा। क्या लगता है तुम युवा हो, पढ़े लिखे हो, इस क्षेत्र में विकास को लेकर और इस बार चुनाव को लेकर क्या मुद्दे? चुनाव तो अभी स्टार्ट हुआ है, अभी ज़्यादा उसके बारे में कुछ पता नहीं है। अच्छा, विकास हुआ है? हाँ विकास तो हुआ है, मामा ने किया है विकास। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार उपचुनाव में कुछ? सर अभी तो कुछ नहीं लग रहा है, चल रही है प्रोग्रेस। अच्छा, किसको वोट दे रही है इस बार जनता? रमाकांत भार्गव को। वोट कितने सालों से देते आ रहे हो? वोट होगा 10-11 साल होगा। 10 साल से? नहीं ज़्यादा ही होगा। हाँ ज़्यादा ही होगा। उम्र कितनी होगी?
36 साल की उम्र है, तो इस क्षेत्र में विकास के काम के बारे में बताओ जरा, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस कह रही है कि यहाँ विकास हमने किया, कांग्रेस कह रही है कि विकास ही नहीं दिख रहा है, बीजेपी कह रही है कि मुख्य शिवराज जी 18 साल सीएम रहे तो बहुत विकास हो गया। बहुत विकास हुआ, विकास क्यों नहीं, ये रोड सब बने, सब तो कहीं और क्या करते हैं। इस बार उपचुनाव में क्या माहौल है यहाँ पर? बढ़िया है, वही बढ़िया है। इसका माहौल है वही है, बीजेपी का ही हाल। अच्छा, बीजेपी का माहौल। इस बार उपचुनाव में क्या माहौल दिख रहे हैं? वही क्या, बीजेपी आएगी और क्या होगा। क्यों, काम बीजेपी ने किया, कांग्रेस ने क्या किया? अच्छा, क्यों, कांग्रेस ने तो कोई रोड सड़क भी नहीं बनवाई। अच्छा। गोरे माहौल क्या लग रहा है इस बार? माहौल यही लग रहा है, देखो तो बहुत कसामसी है। ज्यादा टक्कर है। हाँ, ज्यादा टक्कर है, राजकुमार जी के कांटे की टक्कर है बिल्कुल। लोगों को कहना है कि बुधनी विधानसभा क्षेत्र में इस बार कांटे की टक्कर है, लेकिन देखना होगा कि जनता किसको चुनती है, किसकी किस्मत ईवीएम में 13 नवंबर को कैद करती है। चुनावी चौपाल में हमने बुधनी विधानसभा क्षेत्र की जनता से आखिर जाना है कि 13 नवंबर को वो अपना मत किस उम्मीदवार को देने वाले हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी को या फिर कांग्रेस को। ये जनता से हमने पूछा और जनता ने हमें बताया कि वो विकास के मुद्दे पर वोट देने वाली है या फिर बदलाव के मुद्दे पर। तो देखिए IBC 24, मेरे साथ बने रहिए, कैमरा पर्सन विनीत के साथ विवेक पटिया, IBC 24 बुधनी।